नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों मैंने तो पहले ही कहा था यह घटना होकर ही रहेगी, लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं मानी। मित्रों, नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा भूचाल मचने वाला है। दिनांक 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, इस समय के अंतराल में जीवन की हर वो गलती आपके सामने आएगी जो आपने पिछले समय में की थी। मित्रों, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों, वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे और कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी। हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है, तो हमारी इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि व्यापार की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, कोई आपका अपना खुद का नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, समय बहुत बढ़िया चल रहा है। किसी की भी ना सुने, तुरंत काम शुरू कर दें, सफलता बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों से बचकर रहिएगा जो आपके मुंह पर अपने हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यदि आप घर पर काम करते हैं तो घर पर काम करते समय खास सावधानी बरतें, नहीं तो आपका सारा बनाया बनाया काम बिगड़ सकता है। घरेलू चीज़ों को लापरवाही से इस्तेमाल करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यदि घरेलू चीज़ें खराब हुई तो उसे लेकर दौड़ना आपको ही है, इसलिए घरेलू चीज़ों से बिल्कुल लापरवाही ना करें। जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद रहेगा और यह फायदेमंद समृद्धि भी लेकर आएगा। मित्रों, आप सभी को बता दें कि जेवर में निवेश करने की सलाह आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी से लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों का सुकून भरे और शांत भरे दिन का लुफ्त लेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आप किसी पार्क, शॉपिंग या मॉल में जा सकते हैं। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपके जीवन साथी का आंतरिक सौंदर्य बाहर भी पूरी तरह आपको महसूस होगा, और ज़िंदगी आपको अच्छे एहसास भी जरूर कराती है, बस आपको इन एहसासों को समझने की ज़रूरत है। प्रेमिका की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, उनका दिल आपको बिल्कुल भी नहीं दुखाना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि किसी से भी बेवजह बिल्कुल ना उलझे, अपने काम से काम रखें। और मित्रों, आपको सिर्फ दो तीन मंत्र है जिनका उच्चारण रोज सुबह शाम करना है। ओम सूर्य नारायण नमो नमः, ओम सूर्य नारायण नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम दिन में 21 बार जाप जरूर करें। इससे मन को शांति मिलेगी, परिवार में खुशियां लौटेगी, दुख दर्द भी दूर होंगे। आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे, उनकी तरफ खींचेंगे। ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचाएंगे। भले ही शुरुआत अच्छी नहीं हो, लेकिन अंत बहुत बेहतरीन होगा। मित्रों, वक्त का खेल है, अचानक से पलटेगा और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मित्रों, आपको बता दें कि अपने बच्चों के लिए कुछ खास योजना बनाएं,
सुनिश्चित करें कि आपकी योजना यथार्थवादी है और उन्हें अमली जामा पहनाना मुमकिन है, क्योंकि योजना तो हर कोई बना लेता है लेकिन उसे अमल में लाना बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी योजनाओं को अमल में जल्द से जल्द लेकर आएं। मित्रों, आने वाली पीढ़ी इस तोहफे के लिए आपको हमेशा याद रखेगी, क्योंकि आपके द्वारा किया गया अभी का मेहनत आपके बच्चों के लिए एक तोहफा ही रहेगी। मित्रों, आपको बता दें कि अपने प्रिय से कोई तल्ख बात ना कहें, क्योंकि तल्ख बात कहने से परेशानियां और बढ़ सकती है, मुसीबतें और बढ़ सकती है। अपने समय की कीमत समझें, उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपके समझ में नहीं आती है गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मित्रों, ऐसे लोगों से दूर ही रहें, और जहाँ पर आपको महत्व मिलता है, जहाँ आपकी कद्र होती है, वहाँ पर बैठना बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों, आपके जीवन साथी की सेहत के चलते किसी से मिलने की योजना रद्द हो जाए तो चिंता ना करें, आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे, क्योंकि अचानक से आपके मित्रों, पार्टनर या आपकी प्रेमिका की तबीयत खराब होगी तो आपको थोड़ा सा बेचैन सा महसूस होगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन घबराए नहीं। यदि आपके पास कोई बात करना चाहे और आपका मूड बात करने का ना हो तो आपको शांति से उसे यह बात समझानी चाहिए, ना कि चिल्लाकर या गुस्सा करके। आपका मूड नहीं है, आप सामने वाले व्यक्ति से कह दीजिए 5 मिनट के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जब बात करना हो अच्छे से कह दीजिए, लेकिन गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं तो काले कुत्ते को दूध व रोटी अवश्य दे देना। इससे मित्रों, सारे जो भी तनाव है, चिंता है, सारी समस्याएं हैं, वह दूर होगी। साथ ही आपको बता देते हैं मित्रों कि आपको इस वक्त किसी से भी बात करते वक्त लहजे का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी पहचान अपने लोगों के बीच में कराएगी। साथ ही सेहत पर गौर करने की ज़रूरत है, सेहत पर गौर करने की ज़रूरत इसलिए है, अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि बच्चों के साथ वक्त गुजारने से आप उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे, उनकी सेहत, उनका रहन सहन, उसका चाल चलन, उनके बोलने का लहजा, ये सारी आपको आपकी संतान में ढूंढनी है। मित्रों, ऐसे लोगों से जुड़ने से बचे जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए जीवन साथी की बातों पर, उनके चरित्र पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करें। आपके जोशीले अंदाज से आपके सहकर्मी आपसे आकर्षित हो सकते हैं, और अंततः मूलतः की जड़ को लाल वस्त्र में लपेट कर अपने पास रखने से आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया एवं मजबूत होगी। अपने शारीरिक चुस्ती स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए आपका समय खेलने में व्यतीत होगा। आप काफ़ी पैसे बना सकते हैं मित्रों। कुछ योजनाएं हैं, कुछ ऐसे मौके हैं जो आपके हाथ लगेंगे। आंख मूंद कर बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। अब चूंकि मित्रों, इसे अपने हाथ से बिल्कुल ना फिसलने दें। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। रोमांस आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा, क्योंकि आपकी मुलाकात अपने प्रिय से होगी। कुछ छात्र लैपटॉप या टीवी पर कोई मूवी देखकर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। जब आपका जीवन साथी, जब सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। अगर आप अपने मन की सुने तो यह समय खरीदारी के लिहाज से उमदा है। आपको कुछ अच्छे कपड़ों और जूतों की जरूरत भी है, आप खरीदने भी जा सकते हैं। कड़ी चावल गरीबों को खिलाएं, वो खुद भी खाएं, इससे आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अब चूंकि मित्रों ठंड का मौसम चल रहा है, यदि आपके पास पुराने गर्म कपड़े या वस्त्र पड़े हो तो आप गरीबों में दान दे दें। तो वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो
अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़